दोस्तों, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, होप सो अच्छे होंगे। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? यदि मान लो आपको कोई भी टॉपिक है या कोई भी क्वेश्चन है वो समझ नहीं आता, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना के आप अपलोड कर दूंगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो देखो, पढ़ाई आप अच्छे से करते रहना, क्योंकि जिसके पास सरकारी नौकरी है उसी को क्या मिलेगी? सरकारी छोकरी ना। तो ये आजकल का नियम बन गया भाई, जिसके नौकरी है उसको मिलेगी छोकरी। तो लड़को देख लो, जिसको भी शादी करनी है वो क्या कर लो, नौकरी ढूंढ। तो देखो, अपने चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने देख लिया कि मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय। उसके बाद हमने यकृत भी देख लिया था। यकृत एक रस का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं पित्तरस। अब पित्तरस का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में। तो पित्तरस वो हमने देख लिया था, उसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है पित्त लवण और एक होता है पित्त वर्णक। अब हम देखते हैं कि पित्ताशय क्या होता है। हाँ सर, पिता का आशय यानी कि हमारा घर, हमारा घर ही क्या है? पित्ताशय है ना। तो इसमें लिखो, ये जो हमारा यकृत होता है, ऐसा यकृत होता है, दो पालियां होती हैं, इसमें दो नलियां आके जुड़ती है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या होता है? यहाँ पे पित्त से जुड़ा होता है, ये आगे जाएगी इसे, तो यहाँ पे ऐसे आएगी हमारी छोटी आंत। इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं। ठीक है, इसे जोड़ देते हैं ताकि छोटी सी जगह में बन जाए आसानी से ना। तो ये कुछ ऐसा आता है। अब देखो, ये क्या होता है? हमारे आमाशय से आता है यहां से, और ये हमारी छोटी आंत स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो भाग है ये आगे अग्नाशय में जाता है। ये जो हमारा है वो क्या है? अग्नाशय। ये क्या है? हमारा पित्ताशय। ये है यकृत। अब देखो, यहाँ पे कुछ नाम होते हैं, ये जो नलियां हैं इनके कुछ नाम होते हैं, वो देखते हैं। तो देखो, हम लीवर को क्या बोलते हैं? हिपेटो बोलते हैं। लीवर को क्या बोलते हैं? हिपेटो बोलते हैं। तो ये जो नली होती है, हिपेटो से आ रही है दोनों, ये और ये, वो दोनों आके यहाँ पे मिल रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन हिपेटो डक्ट। कॉमन हिपेटो डक्ट हो गया। अब देखो, एक पित्ताशय से आ रही है। पित्ताशय से वो कहां पे आ रही है? कॉमन हिपेटो डक्ट है उसमें आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। अब देखो, इसमें क्या होगा? जो पित्ताशय है वो यहां से आएगा और यहां पे आएगा, इकट्ठा हो गया। यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद जैसे ही हमारे जो पाचन की प्रक्रिया है उसको पित्तरस की आवश्यकता होगी, यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो नली होती है, आगे की जो नली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। पित्तरस को हम क्या बोलते हैं? बाइल ज्यूस। तो इसे क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। दोनों में कॉमन है भाई, लीवर और पित्ताशय दोनों में कॉमन है। और क्या आ रहा है इसमें? बाइल ज्यूस आ रहा है, तो इसे क्या बोल दिया? कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो, ये जो डक्ट है, ये जो नली है बीच की, ये जो नली आ रही है, ये कहां पे जा रही है? पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज हमारा जो अग्नाशय उसमें जा रही है, तो इसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो, पेनक्रियाटिक डक्ट ये वाली, और ये जो छोटी आंत है जहां से स्टार्ट होती है, इसके बीच में यहाँ एक दरवाजा होता है ना। तो ये दरवाजा खुलता बंद होता है, इसे बोलते हैं ओडी का द्वार।
या ओडी स्पाइनल, ओडी स्पाइनल, ओडी का अवरोध। इससे देखो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ओडी का अवरोध है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो कहाँ पे स्थित होता है, जो पेनक्रियास से आ रही इंडक्टेड तो वो, और एक जो छोटी आंत में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ओडी का अवरोध उपस्थित होता है। अब देखो ये जो नली है, ये नली किस किस के लिए कॉमन है, हिपेटो से आ रही है, ये भी यही मिल रही है, और पेनक्रियाटिक में भी ये जा रही है, तो इसे बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे नाम लिख देता हूं, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये बना लो डायग्राम, जो हमारा पिताश्य होता है वो कहां पे स्थित होता है, विकृत के ठीक नीचे। मैंने आपको बताया था कि ये पाली कौन सी होती है और ये कौन सी होती है, तो ये पाली मैंने आपको बताई थी राइट और ये बताई थी लेफ्ट, यही होता है। तो पिताश्य की स्थिति क्या हो गई, यकृत के दाईं पाली, राइट को क्या बोलते हैं दाईं पाली, तो दाईं पाली के नीचे, तो लिख लो पिताश्य की स्थिति। यकृत की दाईं पाली के नीचे, अब इसका काम क्या होता है, तो लिख लो कार्य, पितरस का संग्रहण क्या करेगा, ये संग्रहण करेगा, स्त्रवण वह सांद्रण। अब किसी के मन में आ रहा है कि भाई सर स्त्रवण है वो तो यकृत करता है, निर्माण है वो यकृत करता है, तो आपका बात एकदम सही है कि निर्माण है वो कौन करेगा, यकृत करेगा। अब यकृत क्या करेगा, जो पितरस है वो बना के पिताश्य को बेच देगा, ये क्या कर लेगा अपने पास इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा करने के बाद जब भी हमारे शरीर को पितरस की आवश्यकता होगी तब ये क्या करेगा, इसको छोड़ेगा, स्त्राव करेगा, तो इसलिए इसका कार्य क्या है, पितरस का स्त्रवण। नेक्स्ट आता है कि जो पिताश्य है वो कौन सी डक्ट से जुड़ा हुआ है, तो सिस्टिक डक्ट, तो लिख लो डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अगला आता है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई किसी के पित्त की थैली में, बोलते हैं ना भाई इसके पित्त की थैली में पथरी हो गई, तो उसका मतलब क्या है कि भाई उसके पिताश्य में क्या हो गई है, पथरी हो गई है। अब जो पिताश्य में पथरी बनती है वो किसकी बनती है, सब कोई बड़ा सा पत्थर आ जाता है और चला जाता है, वही क्या है पथरी, तो ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में क्या होता है, बिल्जुबिनेट होता है, कैल्शियम बिल्जुबिनेट, उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो पिताश्य है उसमें पथरी बनती है, तो लिख लो कि भाई कभी कभी इसमें क्या बन जाती है, पथरी बन जाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम बिल्जुबिनेट। या कभी कभी ये एस्टर की भी बन सकती है, एस्टर होता है ना केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, कौन सा आर ओ आर, ये तो होता है इथर, आर सी डब्ल्यू वन ओ ओ, ये क्या होता है एस्टर, तो जो एस्टर होता है उससे क्या बनती है, पथरी बनती है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल, हाँ सर आजकल कोलेस्ट्रॉल सभी में ज्यादा हो गया ना, सभी लोग मोटे हो गए हैं ना, टेपटे पहलवान है ना, तो टेपटे पहलवान नहीं है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। मोटापा देखा होगा कि किसी का पेट लटक रहा है, किसी के बाजू है वो बहुत ही बड़े हो गए हैं, शर्ट भी नहीं आ रहे ना, तो किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो ये कर लो नोट, ये हो गया पिताश्य। अब हम देखते हैं अग्नाश्य, अग्नि, तो अग्नि है वो क्या करती है, सब कुछ जला देती है, जला देती है ना, या कुछ छोड़ती है पीछे, सर अलग अलग तरह की अग्नि होती है,
कुछ अग्नि होती है वो बुझाती है ना, कुछ होती है वो जला देती है। तो अपना दिमाग क्यों ज्यादा नहीं दौड़ाना है, केवल हमें यही ध्यान रखना है कि अग्नि होती है वो सब कुछ बुझा देती है या जला देती है ना, क्या कहते हैं जला देती है। तो हेडिंग लगो अग्नि से, तो अग्नाशय क्या करेगा, एक रस का निर्माण करेगा जिसे हम बोलते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस से वो दो भागों से मिलकर बनता है या दो भागों में बनता है। अब देखो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर, देखा था। अब जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, अग्नाशय। तो लिख लो पहले, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अब ये कैसी होती है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित, हाँ मिश्रित, जैसे ह्यूमन होते हैं ना मिश्रित कभी कभी, वैसे ही क्या होती है अग्नाशय भी मिश्रित होती है। यानी कि ये अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की होती है। तो एंडोक्राइन होता है वो तो इसका कितना होता है, 1-2% भाग ही क्या होता है एंडोक्राइन होता है, बाकी का 98% क्या होता है एक्सोक्राइन होता है। अब देखो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसमें क्या होता है, लेगर हेंस की द्विकिकाएं पाई जाती है, लेगर हेंस द्विपिका, ओके। जो एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन में क्या होता है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम है एसिनाई सेल, एसिनाई सेल्स या कोशिकाएं। अब देखो लेगर हेंस की द्विपिकाएं होती हैं उसमें चार तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, ये पाई जाती है। अब जो अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, डेल्टा होती है, एफ होती है, ये क्या करती है, कुछ प्रोटीन का निर्माण करती है या हार्मोन बोलते हैं जिसे ना। तो लिख लो अल्फा सेल करेगी ग्लूकेगोन का निर्माण, ग्लूकेगोन, डोन नहीं है गोन है, गोन है ना, हाँ सही, तो गोन है। बीटा सेल करेगा इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह, डायबिटीज है ना। डेल्टा करेगी सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, और जो एफ सेल्स होती है वो क्या करेगी, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेगी, पॉलीपेप्टाइड। अब पीछे बच गई एसिनाई सेल्स, तो एसिनाई सेल क्या करेगी हमारा अग्नाशय रस बनाएगी, अग्नाशय रस का निर्माण। तो आया समझ, तो इसको कर लो नोट। अब हम देखते हैं कि अग्नाशय रस क्या और कैसा होता है। तो हेडिंग लगा लो अग्नाशय रस। तो अग्नाशय रस से पहले कहा था भी अग्नि है वो क्या करेगी, सब कुछ जला देती है। तो हमारे शरीर में जितना भी भोजन होता है, जो भी पदार्थ होते हैं, सबका पाचन कहाँ हो जाते हैं, अग्नाशय रस की सहायता से हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, यानी कि सभी का ये क्या कह देता है, पाचन कह देता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस, अग्नाशय रस, पूर्ण पाचक रस। और ये क्या होता है, सबसे शक्तिशाली होगा, भाई सभी को पचा देगा तो क्या होगा, ताकत होगी तभी ये सभी को पचा पाएगा। मान लो
इसके पास ताकत ही नहीं हो तो किसको बचाएगा, किसी को नहीं बचाएगा। सबसे शक्तिशाली बाहुबली है ना, सबसे शक्तिशाली रस। अब देखो ये जो अग्नाशय होता है इसकी स्थिति कहां पे होती है, जो हमारा अमाशय है ऐसा होता है अमाशय, और जैसे आती है हमारी बड़ी आंत ना, इसके बीच में क्या होता है यहाँ पे फंसा हुआ देता है ना। अब बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ है तो जगह करने के लिए क्या करेगा, लाते मारेगा ना, तो लाते मारता है तो इससे लात नाम का एक एंजाइम बनता है या हार्मोन बनता है या प्रोटीन बनता है, बताओ क्या बनता है, लात है ना, तो लात नाम का एंजाइम बनता है, क्या बनता है एंजाइम। एल का मतलब हो गया लाइपेज, ए का मतलब एमाइलेज, टी का मतलब ट्रिप्सिन, पहले ये कौन सी अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, और मैंने आपको बताया था कि जो निष्क्रिय अवस्था में होता है उसके मेनली पीछे क्या होता है, नोजन और ओजन होता है। तो ये यहाँ पे तो क्या होगा निष्क्रिय अवस्था में, तो इसके पीछे क्या लगेंगे, ट्रिप्सिनोजन या काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अब इनका काम क्या क्या होता है, लाइपेज लिपिड, तो वसा का पाचन, वसा का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये क्या करेगा, पहले तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, सक्रिय अवस्था में बदलेगा, सक्रिय अवस्था में बदलने के बाद ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके अलावा इसमें एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेंगे, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और आरएनए, आप बोलोगे कि डीएनए और आरएनए हम तो खाते ही नहीं है तो इसका पाचन कौन करेगा, तो पाचन करेगा क्योंकि हम खाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जितना भी भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है, सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, सर कोशिका तो हम खाते नहीं है, है ना। तो देखो आप जो भी फूड खाते हो, आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में आप प्लांट से जो फूड मिलेगा वो खाओगे, तो प्लांट किससे मिला है, बनाए सेल से, सेल में क्या होता है आरएनए और डीएनए। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट खाओगे या अंडा खाओगे, उसमें भी क्या होता है सेल से बनता है, क्योंकि जो मीट है वो एनिमल से मिलेगा और एनिमल सेल से बना है, तो सेल्स में डीएनए वाला आरएनए आ गया, तो उसका भी पाचन कौन करेगा, न्यूक्लियस, और वो कहाँ पे मिलता है हमें, अग्नाशय रस में मिलता है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की, कि छोटी आंत में कौन सा पाचक रस बनता है, तो छोटी आंत में जो पाचक रस होते हैं उसको बोलते हैं सक्कस एंटेरोकेसिस, सक्कस एंटेरोकेसिस, तो हेडिंग लगो सक्कस एंटेरोकेसिस, या इसको बोलते हैं आंतरीय रस, कहां पे बनेगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में दो तरह के होते हैं, दो भाग बांटते हैं छोटी आंत को, छोटी आंत में देखो एक तो होती है लिवर उनन दरार, लिवर उनन दरार, और एक होती है गोब्लेट कोशिका, सेल्स प्लस ध्रुवनकरण की वो मैंने आपको जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था, कौन सी होती है ध्रुवनर, तो ध्रुवनर ग्रंथियां वो कहां पे होती है, हमारे छोटी आंत में। अब देखो जो लिवर कुनन दरारें होती है ये क्या करेगी, कुछ है
एंजाइम है उसका निर्माण करेगी, कौन कौन से? डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। अगला लाइपेज, अगला न्यूक्लिएज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या डाइपेप्टिडेज। ये तो डाइपेप्टिडेज, एक होता है डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज। और एक बनता है एंटेरोकाइनेज। क्या बनता है? एंटेरोकाइनेज। और जो गोब्लेट कोशिका या जो ब्रुनर ग्रंथियां होती है इनके द्वारा बनता है श्लेष्मा। श्लेष्मा कहाँ कहाँ बनता है? सर नाक का श्लेष्मा पता है, बाकी का नहीं पता। तो श्लेष्मा बहुत जगह बनता है। तो इन दोनों को मिश्रित रूप से, ये जो चारों हैं और एक श्लेष्मा, इन पांचों को मिश्रित रूप से क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरोकेसिस। कहाँ पे बनेगा? छोटी आंत में बनेगा, क्योंकि हम कौन सा पढ़ते हैं? आंत में। कहाँ बनेगा? छोटी आंत में। अब देखो इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंटेरोकाइनेज है इसका काम क्या होता है? एंटेरोकाइनेज का काम, तो एंटेरोकाइनेज क्या करते हैं? जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, पढ़ा था ना, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इनका क्या करता है? सक्रिय अवस्था में बदलता है। तो लिखो एंटेरोकाइनेज काइमोट्रिप्सिन, या ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन, या ट्रिप्सिनोजन। कौन बदलेगा? एंटेरोकाइनेज। किस में बदलेगा? ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिनोजन है उसको तो ट्रिप्सिन में, और काइमोट्रिप्सिनोजन है उसको काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया। अब जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है वो क्या हो गए हैं? सक्रिय हो गए हैं। अब जो ट्रिप्सिन है उसका काम क्या होगा? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, और साथ ही साथ क्या करेगा? सभी को सक्रिय करेगा, बाकी के जितने भी एंजाइम हैं उन सभी को क्या करेगा? सक्रिय अवस्था में, अन्य एंजाइमों को सक्रिय करना। ये होता है ना, मान लो कोई गैंग है बड़ी सी मुजरिमों की, उसमें से एक को पकड़ ले जाए, तो प्रोटीन को पकड़ लिया इसने, एक को पकड़ने के बाद जो बाकी के एंजाइम वो भी अपने आप क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। हाँ भाई, अगला नंबर हमारा आ सकता है ना। तो ट्रिप्सिन हो गया, अब देखो छोटी आंत में पाचन है उसका अंतिम पद होता है, छोटी आंत के बाद पाचन कहीं भी नहीं होता, छोटी आंत में पाचन सर्वाधिक होता है और अवशोषण भी सर्वाधिक होता है। छोटी आंत तीन भागों में बंटी होती है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। आगे हम देखेंगे कि अब हेडिंग लगाओ छोटी आंत, छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, मिस्टेक छोटी आंत में पाचन, ठीक है। तो देखो
छोटी आंत में जो पाचन होता है वो नॉर्मली 8 से 8.5 पीएच पे होता है। कितनी पीएच पे होता है? 8 से 8.5 पीएच पर, यानी कि हल्का क्षारीय माध्यम होता है उस पे ये काम होता है, जो पाचन है वो होता है। अब देखो इसमें कौन कौन से जैव अणु किस किस छोटे रूपों में बदलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है पेप्टोन। कौन आता है? पेप्टोन। पेप्टोन को कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है इसको किस में तोड़ेगा? डाइपेप्टोन में। डाइपेप्टोन, और डाइपेप्टोन को आगे किस में तोड़ देगा? एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल। कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीसेकेराइड। छोटी आंत में सभी का पाचन होता है ना, पॉलीसेकेराइड, लेकिन जो सेल्युलोज है उसका पाचन नहीं होता, मनुष्य शरीर में सेल्युलोज का पाचन नहीं होता है। पॉलीसेकेराइड है, इसको तोड़ेगा एमाइलेज। किसमें? डाइसेकेराइड में। अब देखो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो बात है ना एमाइलेज वाली, इसमें से किसमें तोड़ेगा? डाइसेकेराइड। वो तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है माल्टोज, एक होता है सुक्रोज, एक होता है लेक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। अब देखो ये जो माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज हैं, इनको भी आगे क्या करना पड़ेगा? एकल जो सेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, इसमें तोड़ना पड़ेगा। तो अब हम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो माल्टोज है वो किससे मिलके बनता है, या ये किस किस दो भागों में टूटता है, तो इनसे क्वेश्चन आता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले माल्टोज, शादी में जाते हो, माल खाते हो, माल देखते भी हो ना, तो दो तरह के होते हैं। तो नाम में क्या रखा है? माल्टोज, माल है ना, तो माल मीठा खाते हो, तो मीठा है वो किससे बनता है? ग्लूकोज से। तो माल्टेज एंजाइम आएगा, वो इसको किसमें तोड़ देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगला है सुक्रोज, दुनिया की सबसे मीठी शुगर सुक्रोज है, और सबसे मीठा भी कौन लगता है? हाँ, लड़के समझ गए ना, कौन लगता है? यही है ना। हाँ, तो सुक्रोज को कौन तोड़ेगा? सुक्रेज। सुक्रेज तोड़ेगा किसमें? तोड़ेगा जीएफ में। तो जी का मतलब तो हो गया ग्लूकोज, एफ का मतलब हो गया फ्रक्टोज। जीएफ क्या होती है? सबसे मीठी होती है ना। नेक्स्ट आता है लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज को कौन तोड़ेगा? लैक्टेज एंजाइम। किसमें तोड़ेगा? एक तो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज है वो तीनों में कॉमन है, ग्लूकोज तीनों में कॉमन है। अब देखो नाम क्या रखा है? लैक्टोज। अब इसमें और क्या चेंज करें? आगे ये लगा दो, ये लैक्टोज। तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये कर लो नोट। अब देखो दो और बच गया, एक तो वसा बच गई और एक न्यूक्लिक अम्ल बच गया। तो वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज करेगा, और न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियस। देखो वसा कौन करेगा? लाइपेज किसमें तोड़ेगा? लाइपेज ये किसमें तोड़ेगा? वसीय अम्ल, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। जो हीरो हीरोइन होते हैं मूवीज बनाते हैं, आंसू आते हैं उनके, तो आंसू है वो कौन होता है? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का निर्माण किसमें किया जाता है? या तो साबुन बनाने में, जो पीएस साबुन आती है
उसमें या जो कृत्रिम अंशु होते हैं उसको बनाने में। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है भाई न्यूक्लिक अम्ल है वो किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके क्या बनाते हैं न्यूक्लिक अम्ल, तो ये टूट जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोटाइड भी आगे टूटेगा कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड आ गया तो न्यूक्लियोटाइड एज। किसमें तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड में है ना, न्यूक्लियोसाइड में। अब न्यूक्लियोसाइड हो गया आगे मिलके बनता है नाइट्रोजन साधक और शुगर, तो कौन तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड एज। एक क्वेश्चन आता है ओडी का द्वार, ओडी चार चार बंगड़े वाले हाँ, चार चार बंगड़े वाली ओडी लड़ी दिमाग है ना, तो चार बंगड़े वाले नहीं है, या ये ओडी का सिंबल कौन सा होता है, ये तो होता है ऐसे होते हैं चार रिंग होती है ओडी, तो वो वाली ओडी नहीं है, अपने ओडी कौन सी है हमारे छोटी आंत वाली है। कहाँ पे होती है, जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है और जो डेडुनम होता है, जो छोटी आंत का डेडुनम पार्ट होता है ग्रैनी, उसके बीच में क्या होती है ओडी का द्वार, तो लिखो ओडी अवरोध। ओडी का अवरोध कहां पे होता है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट व डेडुनम के मिलन स्थान तक। तो इसे हम क्या बोलते हैं ओडी अवरोध, तो इसको कर लो नोट, और बाकी का जो चैप्टर थोड़ा सा बचा है उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।